लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए अप्सरा किचन और बेल का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ एक हेल्दी रेसिपी जो बहुत ही यम्मी और चटपट बन जाती है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सूजी की चीले। बहुत ही यम्मी और बहुत ही जल्दी बनने वाला डिश है ये। सुबह हर कोई चाहता है कि हमारे कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाए, और सबसे मेन हमारी है सुबह का ब्रेकफास्ट, जो हमारा दिन अच्छा होता है और सब कुछ ठीक होता है। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ हेल्दी सा रेसिपी थोड़ी हरी भरी सब्जी के साथ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ सूजी की चीले। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में शेयर कीजिएगा आपको कैसे लगी ये चीले। चलिए देखते हैं। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, हम चीले बनाने शुरू करते हैं। उससे पहले हमें बैटर बना कर सेट करना है। तो जब मेरा भी अगर काम समय मिलता है तो सुबह उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, उसके बाद अपना ये बैटर सेट कर देती हूँ जब मुझे चीले वाले बनाने होते हैं घर में। तो चलिए पहले क्या करना है, मैं लूँगी एक कप सूजी, जो यहाँ पे कभी इसको बोलते रवा, तो मैं सूजी यूज करूँगी एक कप। अब इसमें यूज करूँगी मैं 3 से 4 चम्मच आटा, प्लेन फ्लावर। अब इसमें यूज करूँगी मैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी दही, फ्रेश दही है ये। अगर आपके पास 100 ग्राम आपने सूजी लिया था, करीब 100 ग्राम आपका दही होनी चाहिए। इसको मिला लेते हैं। अब मेरे लिए एक कप पानी, ये पानी सारा ही डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको मिक्स करना है इस बैटर को। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा पानी डालेंगे। बैटर को मिलाने के बाद हमें सेट करना होता है इसको आधे घंटे के लिए करीब। आप नहाने से पहले आप बैटर को सेट कर लीजिए और इसको रख दीजिए करीब आधे घंटे के लिए। तो हम लोग फ्रेश होके, नहाने धोना खत्म होके, तब आके आप फटाफट ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये सूजी है ये फूलेगी काफ़ी, तो इसको आधे घंटे रेस्ट चाहिए होता है। तो ये सारा मैंने मिला लिया है बैटर को। अब इसमें मैं डालूँगी 2 हरी मिर्ची जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर रखी है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा जो मैंने बारीक चॉप कर लिए है जरा सा। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ हरी सब्जियां, जैसे थोड़ी सी मटर, आप जैसे भी सब्जियां चाहे डाल सकते हैं, थोड़ी सी पत्ता गोभी। एक गाजर, गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और मैंने पत्ता गोभी को फाइन चॉप कर लिया है, और थोड़ी सी फूलगोभी इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। आप इसमें चाहे शिमला मिर्च और कुछ भी सब्जी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये मैंने फिलहाल सारा मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, सब्जी वगैरह सब कुछ। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देती हूँ। इसको ढक के हम इसको रेस्ट देते हैं आधे घंटे के लिए, फिर हम आधे घंटे के बाद चीला बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मेरे आधे घंटे हो चुके हैं, अब हम चीला बनाना स्टार्ट करते हैं।
जो कि हमने पहले से आधे घंटे से फेंट के उसको अच्छा से रखा था, जो वो अच्छे से मिल जाए और सूजी थोड़ा फूल जाए। तो मेरे जितने पानी वाने सब जो यूज़ किया था, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा बैटर कैसा है। ये अभी गाढ़ा है, सूजी पूरा फूल गया है, ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, पहले मैंने आधा कप पानी डाला था। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फेंट लेते हैं। अब मेरा पैन भी गर्म हो रहा है, हमें बैटर को ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक बैटर बनाना है ताकि हमारी चीला अच्छे से बने। आज हम दिन की शुरुआत एक अच्छे से हेल्दी ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करेंगे। ये अभी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए, ये ऐसा होना चाहिए करीब, इतना थिक। बस आपको ध्यान रखनी है, आपने कितना क्वांटिटी हिसाब से आपको सब कुछ मिलाया है उसी हिसाब से आपको पानी, उसी हिसाब से दही मिलाना है। और सब्जी आप कुछ भी डाल सकते हैं, मशरूम हो गया, बीन्स हो गए, मटर हो गए, एनीथिंग, कुछ भी डाल सकते हैं आप सब्जी में जो आपको पसंद है। मेरा पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, जैसे आपको मर्जी, जैसे आपको पसंद हो। मैंने पैन में डाल दिया है तेल, इसको थोड़ा सा ऐसे मिला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा ऊपर से थोड़ा सा, आप चाहे इसमें सरसों भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे जीरा का यूज कर रही हूँ। जीरा या सरसों कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, इसको बहुत ही धीमी आंच पे बनानी है। अब इसमें हम डालेंगे बैटर, एक से दो चम्मच, क्योंकि हमें ये थोड़ा मोटा मोटा बनाना है, पतला नहीं बनाना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, इसमें डालेंगे हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर से। अब इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट इसको हम लो फ्लेम में ढक के इसके 2 से 3 मिनट एक साइड पर पकाएंगे, जब तक आग पीछे से गोल्डन ना हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार अपना चिले चेक कर लेते हैं। देखिए हम ऐसे चेक करेंगे इसके नीचे ये गोल्डन ब्राउन है कि नहीं, और ये हो चुका है। तो बहुत ही सावधानी से इसको हम पलट देंगे, इस तरफ भी लाल गोल्डन हो जाए। थोड़ा गैस के फ्लेम पे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको सेक लेंगे अच्छे से। हम ढक देते हैं, फिर से देख लेते हैं, 2 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। यस, ये देखिए ये लाल हो चुका है एक तरफ से। अब इस तरफ भी थोड़ा सा सेक लेते हैं, थोड़ा खुले आंच पे। चीला हमेशा थोड़ा मोटा ही बनाया जाता है और ये पतली नहीं बनाए, क्योंकि उसमें सब्जियां वगैरह रहती है तो पतली बनाएंगे तो ये फट सकती है, तो इसलिए मोटा बनाया जाता है। ये देखिए दोनों तरफ से मेरा चीले गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही मजेदार। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट पे। ये
हरेक चिला बना लेते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसको मिला लेते हैं। थोड़ा सा जीरा, सेम वैसे प्रोसेस करना है, इसमें डालेंगे चीनी। ये मैंने फैला दिया है और फिर से इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसके साइड से थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ताकि इसको पकने में मदद करे। अब इसको फिर से ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। चलिए देख लेते हैं, हमारा चीला 2 मिनट हो चुके हैं। पलट देते हैं इस धीरे से। हम इसको हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा तैयार हो गया है चिला। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ऐसे सारे चिले को हम इस तरह से बना लेते हैं 1 बाय 1। फिर से मैं तेल डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि पहले बार बनाते समय थोड़ा तेल चाहिए होता है, उसके बाद तो पैन हमारा चिकना हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा तेल जरूरत नहीं है। सेम प्रोसेस करेंगे इसमें भी और इसी तरह से सारे बना लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरे लास्ट के चीले भी तैयार हैं। मेरे सारे चीले तैयार हो चुके हैं बनके। मैं गैस को ऑफ करती हूँ। ये दोनों तरफ से किया है, ये देखिए काफ़ी अच्छा। इसको हमें ऐसे ही गर्मा गर्म पकाएं और परोसें, वो ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा, क्योंकि ठंडे होने के बाद चीले खाने में कोई मज़ा नहीं है। अब इसको सब्जी, कोई तरी वाली सब्जी हो या चटनी हो या सॉस के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी लगती है ये। और सुबह के ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छी होती है। बस बनाने का ध्यान रखना है, आपने क्वांटिटी के हिसाब से आपके बैलेंस बना के रखिएगा और आपकी चिली उतनी टेस्टी बनेगी, उतनी अच्छी बनेगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। थैंक यू।